मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव धतूरा मेघा नगला में दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले, जिससे दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार नासिर का छोटा भाई जाने आलम, जो कि स्कूल जा रहा था, इसी बीच में मेडिकल संचालक असलम और अक्रम ने इशारा करते हुए उस बच्चे से पानी मांगने के लिए कहा। स्कूल जा रहे बच्चे ने कहा, मुझे वैसे ही लेट हो चुका है। इतनी बात सुनकर राशिद असलम अक्रम पुत्र छोटे धतूरा मेघा नगला थाना मुंडा पांडे स्कूल जा रहे बच्चे की पिटाई शुरू कर दी। वहां बैठे किसी ग्रामीण ने छात्र के भाइयों को सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे छात्र के भाइयों ने पूछा कि क्यों मार रहे हो, तो दबंग लोग उससे भी गाली गलौज करने लगे, जिसका छात्र के भाइयों ने विरोध किया तो उनसे भी मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के छात्र ने जाने आलम के भाई यासीन आरिफ नासिर आसिफ पुत्र बदलू निवासी धतूरा मेघा नगला थाना मुंडा पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए, तो मारपीट करने वाले में से दो लोग भी घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को पकड़ कर थाने ले आई और घायलों को स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर कर दी है। तो उसने उसके बच्चे को बोला, तो उसके बच्चे ने असलम ने आके उस बच्चे को बहुत मारा, रैकेट लातों को से मारे, मैंने बचा दिया। मैंने असलम भाई क्यों बचा रहा हूँ जी, नहीं तो उन्होंने फिर मेरा गेरेबानी भी पकड़ लिया। बोले तू कौन? मैंने कहा मोहल्ले का, इसको बचाना चाहिए, किसी क्या फायदा तुम मासूम बच्चे को मार रहा हुआ। तो उसने खूब मारा, मैंने फिर अपने घर गया, मैंने अनस को मार रहा है ये लोग उनके घर पर कहा बोल के आया, तो मैं अपने ड्यूटी पे निकलने के लिए बोला, तो उनने फिर घेर के फिर मुझे मार लिया। कितने लोगों को चोट लगी इसमें? चार लोगों का। अच्छा, मारने वाले में कौन कौन थे? मारने वाले में राशिद असलम अकरम जरीफ। अच्छा, थाने आ गए आप लोग? अब तहरीर दे दी उनका नाम? आप क्या चाहते हो? आप देखें अभी क्या होता है।